माई डियर स्टूडेंट्स, वेरी प्रेसियस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स. माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह बायोलॉजी टीचर, शिवब्र सिंह चिल्ड्रेन अकेडमी, अर्गुपुर कलान, जौनपुर. टूडे नाउ आर गोइंग टू डिस्कस रेस्पिरेटरी वायलोम्स एज वेल एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग्स. As you know that lung is the very important organs of the respiratory system of human beings, because the lungs contains air. उसके अंदर क्या होती है? Air होती है. And this air is measured by instruments that is known as spirometer. The name of the instruments that is known as spirometer. With the help of spirometer, we can easily calculate the volume of air inside the lungs. दो पहला हमने बात करूंगा respiratory volumes and respiratory capacity both. तो volumes of the air they can easily measure with the help of spirometer. तो spirometer is a type of instruments. ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर्स इनसाइड लंग्स दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर. तो वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एज वेल एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. तो ऑल द टर्मिनोलॉजी डिस्कस डिटेल वन बाई वन. नंबर वन, टाइडल वॉल्यूम That is known as TV. इसको शॉर्ट volume of air expired or inspired during normal breathing or normal respiration, that is known as effortless breathing is known as TV or tidal volume. ध्यान देना, बहुत important बात होती है. volume of air expired or inspired ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जो करते हैं, दैट इज नोन एज इफर्टलेस ब्रीदिंग. देर इज नो एनी इफर्ट फॉर दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग. इसके लिए हम जब कोई भी इफर्ट्स नहीं लगाते हैं, दिस इज द नॉर्मल, एक तरह से नॉर्मल ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं. तो वह क्या होता है? वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml. वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आर इंस्पायर्ड मीन्स ऑक्सीजन कोई जब इंटेक करेगा नॉर्मली कोई भी पर्सन, तो कितना लेगा? 500 ml. और एक्सपायर्ड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वह कितना होगा? 500 ml. एज यू नो दैट्स इन द हेल्दी मैंस, अगर हम हेल्दी मैन की बात करें, हेल्दी मैन जो नॉर्मल ब्रीदिंग पर मिनट क्या होता है? 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट्स करता है. तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो यह वन ब्रीथ का यह है. वन ब्रीथ में कितना है? नियर अबाउट कितना एक्सपायर्ड इंस्पायर्ड करा है? 500 ml पर ब्रीथ. तो टोटल अमाउंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आर इंस्पायर्ड इन पर मिनट्स वह कितना हो जाएगा? तो आप इसको कर सकते हो, अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये नियर अबाउट आपका 6000
6000 to 8000 ml per minutes. This is the average, आप कह सकते हो average breathing of any healthy man's per minutes near about 6 liter to 8 liter. अगर इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करते हो पर मिनट्स, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में होता है किसी भी पर्सन के जो लंग के जो वॉल्यूम्स हैं, सॉरी ध्यान देना टाइडल वॉल्यूम्स क्या है, टाइडल वॉल्यूम इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है. तो नॉर्मल ड्यू वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग दैट इज नोन एज एफर्टलेस ब्रीदिंग इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ एयर्स इन पर ब्रीथ इज वॉट 500 ml. तो ए हेल्दी मैंस की अगर हम बात करें, द हेल्दी मैंस नॉर्मली ब्रीद पर मिनट 12 टू 16 टाइम्स. तो नियर अबाउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आर इंस्पायर्ड पर मिनट इज वॉट 6000 टू 8000 ml. एयर्स पर मिनट आर 6 टू 8 लीटर ब्लड पर मिनट्स एक्सपायर आर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग फ्रॉम द लंग्स. द सेकेंड टर्म इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज नोन एज IRV. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज नोन एज IRV. Volume of air during forced inspiration or inhalation. During forced inspiration or inhalation that is known as inspiratory reserve volumes or IRV. The volumes वो क्या होगा, near about 2500 ml to 3000 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्सेड इंस्पायरेशन आर इनहेलेशन, जब हम फोर्स करते फोर्स ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो रही है, हम ड्यूरिंग फोर्स कितना हम इनटेक कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना इनटेक करो इनसाइड द लंग्स दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स आर IRV. नियर अबाउट इन वन इंस्पायरेशन, ध्यान देना इन वन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग फोर्सफुली जब वो कर रहे हैं, नियर अबाउट 2.5 liter टू 3 liters पर इंस्पायरेशन. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑल द वॉल्यूम दे आर मेजर बाई द स्पायरोमीटर्स. द नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्सेड एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स आर ERV नियर अबाउट 1000 ml to 1100 ml. ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बात आई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्सेड एक्सपायरेशन, कितना आप फोर्स देकर कितने एयर्स को आप लंग से बाहर कर सकते हो. तो वह देखा गया कि द वॉल्यूम
of forceful expiration is lesser than the volume of forceful inspiration. So IRB is more in comparison to the ERB. तो जितना intake आप करते हो forcefully उतना आप expelled out नहीं कर सकते हो forcefully. तो here is the maximum you आप कर सकते हो, you expelled out carbon dioxide from the lungs or ears near about 1000 to 1100 ml of air of expired per expiration. ये ध्यान देने की बात है. तो here is the volume of both IRB as well as ERB. तो first जो content of this chapter, this topics, respiratory volume, first is the tidal volume. Tidal volume is also known as effortless breathing. This is the normal breathing. In general, all the persons, human beings, normally breathe करता है, inspiration इसका है. In one breath, 500 ml of air intake are expelled out. Inspiratory reserve volume during forceful inspiration. तो maximum amount कितना, total maximum amount of the air inhale inside the lung near about 2500 to 3000 ml. During expiratory reserve volume, the volume of air forced during forced expiration near about 1000 to 1100 ml air expelled out of the lungs. This is the volume of IRB, ERB as well as TB. Next is fourth, residual volumes. Residual volume is also denoted by RV. The volume of air, remains present in lungs. After forced expiration, that is known as residual volume. It means हम कह सकते हैं कि हमारा जो lungs होता है वह कभी भी air से empty नहीं होता है. अगर आप forcefully expired कर देते हो, some amount of air इंटर इनसाइड द एलवेलाई और एयर सैक और लंग्स के अंदर वो पड़ा रहता है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम्स ऑफ द लंग्स, इट कंटेन्स एयर इज नियर अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ एयर्स प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स. That is known as residual volume. ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी हमारा lungs empty नहीं होता है. हम forceful अगर expiration कर दें, जितना pressure लगाकर किसी भी airs को बाहर कर देते हैं, तब भी हमारे some amount of airs they are remain present inside the lungs, वे present होती है. And this air, this volume is known as residual volume. Clear? And the next is taught capacities of the lungs. The here is inspiratory, here is the fifth point, inspiratory capacity. Here is the IC, inspiratory capacity. IC is equal to tidal volumes plus IRB. Tidal volume plus IRB. तो what is the, तो अब इसको definition of air, total volume of airs, the total volumes of air a person can inspire, a person can inspire after a normal expiration, normal
एक्सपायरेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ध्यान देना, हमने पहले बिफोर हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था अभी भी कुछ देर पहले कि व्हाट इज द टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू इज द एफर्टलेस ब्रीदिंग, दिस इज द नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। वह क्या था आपको, ये 500 प्लस IRB मैक्सिमम इनहेल किया ड्यूरिंग फोर्सेड इंस्पायरेशन कितना किया था, इस पर भी हमने आपको मेंशन किया था 2500 to 3000 mL पर IRV ND। तो टोटल कितना हो जाएगा अगर इससे इसको प्लस करते हो तो नियर अबाउट 3000 to 3500 mL। दिस इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, मतलब कितना वो मैक्सिमम अपने लंग्स में इंस्पायर्ड कर सकता है। तो इंस्पायर्ड में वो टाइडल वॉल्यूम में तो किया ही, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स फोर्सफुल जो इंस्पायरेशन किया आइदर 2500 ये इससे आपको कनेक्ट हो गया और 3000 mL, तो टोटल आपको कितना हो गया आइदर 3000 mL और 3500 mL टोटल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इनसाइड द लंग्स इन पर। एंड द सेकेंड इज व्हाट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज नोन एज ई सी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ई सी इज वॉट, सेम होगा यहाँ पर भी ऐसा है फार्मूला, टाइडल वॉल्यूम तो सभी में सेम होगा प्लस ERV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। इट मीन्स इसको डिफाइन करें तो यहाँ पर भी यही होगा द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर्ड था वहां पर एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद वो कितना वो मैक्सिमम एयर को एक्सपेल्ड आउट कर सकता है फ्रॉम द लंग्स। तो ई सी वो आपको डिटरमाइन हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम इज सेम 500 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स जो था आइदर 1000 to 1100 mL। तो मैक्सिमम कितना कर सकता है 1500 to 1600 mL। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। ये भी क्लियर हो गया व्हाट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम वह कितना एयर इनहेल करता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सिमिलर वे द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज सेम टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर दोनों को ऐड कर दे दिया जाए हियर इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स नियर अबाउट 1500 to 1600 mL। आर इसको अगर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो 1.5 to 1.6 liters आपको ये जो ये आपको लीटर्स ईयर्स जो होता है पर एक्सपायरेशंस में वो मिलता है इन द लंग्स। नेक्स्ट इन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी द वॉल्यूम ऑफ
ears will remains present in lungs after a normal expiration after normal expiration the volumes of air which remains present in the lung after a normal expiration, that is known as functional residual capacity. Actually the FRC, functional residual is residual volume plus ERV. रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पहले भी बात बोला था कि रेजिडुअल वॉल्यूम इज व्हाट 1000 प्लस 1100, तो नियर अबाउट कितना हो जाएगा, ईआरवी आपको 2100 एमएल, दिस इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, दैट इज नोन एज एफ आर सी. It means the volume of air will remain present in the lungs after normal expiration. Normal expiration, that is known as tidal volume. तो कितना वो बाहर कर रहा है? It means वह तो निकल गया, बचा क्या? ERV बचा, plus उसका reserve volume बचा, जो lungs के अंदर, that is known as functional residual capacity of the lungs. Is what? 2100 mLs. Next, that is vital capacity. Vital capacity. Total volume expired after a maximum inspiration is known as vital capacity. Vital capacity क्या हो जाएगा, आपको उसमें add कर दो ERV plus TV plus IRV, तो ये टोटल हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग. जो वाइटल मीन्स मैक्सिमम कितना एयर हम इनटेक कर रहे हो, दैट इज नोन एज आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग का वो वॉल्यूम रहेगा ही, प्लस कितना एक्सपेल, तो टोटल वॉल्यूम्स ऑफ एयर एक्सपायर्ड, आपने कितना एक्सपायर्ड किया, ईआरवी प्लस टीवी आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन ये हुआ, तो दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग. तो अगर इसको मेजर करना हो तो ERV इज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1100 प्लस 500, और ये इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, IRV 3000 तक, मैंने बोला 3000, तो टोटल कितना हो जाएगा 4600 ml ऑफ एयर इन द लंग्स, दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. तो ये ध्यान देने की बात है, जो वाइटल फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड कितना वो निकाला, ईआरवी प्लस टीवी आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, दैट इज नोन एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दैट इज नोन एज आईआरवी. तो टोटल ये हो गया, दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. लॉस इज द टोटल लंग कैपेसिटी. तो अगर इसको देखा जाए TLC, तो TLC क्या हो गया, TLC इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल जो पड़ा रहता है, तो टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम. तो वाइटल कैपेसिटी कितना हो गई, अभी इसमें क्या क्या वाइटल कैपेसिटी में आ गए, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी,
ये टोटल अमाउंट्स ये आपका गया 4600 प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम्स आपका ये था 1100 ml, तो टोटल कितना हो जाएगा 5700 ml। दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। ये माना जाता है कि एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी इज वॉट 5500 to 6000 ml। दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बींग। एक्चुअली द लंग कैपेसिटी वेरी स्लाइटली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इतना ईयर्स इट मीन्स 5.5 liter to 6 liters ऑफ एयर्स स्टोर, ये कैपेसिटी है स्टोर इन साइड द लंग्स, दैट इज नोन एज टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो लंग्स मैंने क्या बताया कि लंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज इट कंटेन्स द एयर, इट स्टोर द एयर। एंड हमने अभी अभी वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स वन बाई वन इन वेरी डिटेल्स। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे जो होते हैं आपको ये नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ IRC इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ TLC टोटल लंग कैपेसिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी। इट मीन्स ये सब जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड दिस ये दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आज के जो लेक्चर्स थे वो लंग्स के वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पर थे कि जो लंग की कितनी वह कैपेसिटीज है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर्स को स्टोर कर सकता है। वीडियो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।